को 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा देने का प्रस्ताव पास हुआ। किसानों का 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा गांव में कैंप लगाकर बांटा जाएगा। कुल 43 प्रस्ताव गए थे, इनमें से कई प्रस्तावों पर बोर्ड ने अपना अनुमोदन दिया। कुछ प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड ने आवश्यक संशोधन कर पुनः प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। जो मुख्य रूप से निर्णय हुआ है उसमें एक तो 32,000 आवंटियों के लिए 30 सितंबर 2023 तक बिना किसी शुल्क के लीज कराने और 31 मार्च 2024 तक बिना किसी शुल्क के लिए निर्माण कराने की अनुमति दी गई है। ग्रेटर नोएडा की यमुना प्राधिकरण की 76वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के साथ साथ किसानों को बढ़ा हुआ 64% मुआवजा और साथ ही साथ लीज बैक की पॉलिसी को लेकर भी इस बैठक में तमाम मुद्दों पर मोहर लगी। साथ ही साथ विदेश से आने वाली इंडस्ट्री या विदेश से आने वाली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों की जमीन अलॉटमेंट को लेकर नई तरीके से ज़मीन को खरीदा जाएगा। एयरपोर्ट से सटे हुए इलाके में सेक्टर 9 में और ज़मीन खरीदकर वहां पर विदेशी इंडस्ट्री और विदेशी यूनिवर्सिटियों को डेवलप करने के साथ साथ तमाम अहम प्रोजेक्ट पर आज यमुना अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आने वाले 11 जुलाई को लखनऊ में भी एक और बोर्ड मीटिंग की जाएगी, उसमें किसानों के लीज बैक के प्रकरण को लेकर मोहर लगनी संभावित मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, ग्रेटर नोएडा।